हेलो गाइस, यू विथ मी एट अनलिमिटेड लर्निंग। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द पैराफ्रेज ऑफ मर्चेंट ऑफ वेनिस एक्ट 1 सीन 1। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए सीन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सीन कहाँ हुआ। ये सीन वेनिस के एक स्ट्रीट में होता है। इस सीन में हम देखते हैं कि एंटोनियो अपने दो फ्रेंड्स सलारिनो और सलानियो से बातें कर रहा था। एंटोनियो बोलता है कि सचमुच मुझे नहीं पता मैं इतना ज़्यादा सैड क्यों रहता हूँ। ये सैडनेस मुझे बहुत ज़्यादा डल और डिप्रेस करते जा रही है, और मुझे डिप्रेशन में देखकर तुम लोग भी सैड होते जा रहे हो। तुम लोग मतलब उसके फ्रेंड्स। वो बोलता है कि मुझे पता नहीं ये सैडनेस मेरे अंदर कब से आई, क्यों आई, और मैं सैडनेस से कैसे बाहर निकलूँ। इस सैडनेस की वजह से मैं खुद को एक्सप्लोर भी नहीं कर पा रहा हूँ। अब उसका फ्रेंड सलारिनो बोलता है कि एंटोनियो, तुम्हारा जो माइंड है वो तुम्हारे शिप्स के बारे में ही सोच रहा होगा। तुम उसके बारे में ही सोच रहे होगे, आई एम श्योर। तुम्हारे शिप्स अलग अलग ओशन, अलग अलग सीज में रिचली लेडन हैं। उन्हें देखकर ऐसा इंप्रेशन मिलता है कि वो रिच सिटीजन हो या फिर वेल्दी जेंटलमैन हो। उन्हें देखकर ऐसा भी लगता है कि वो एग्जीबिशन या कार्निवल पर डिस्प्ले पे रखे गए हों। छोटे छोटे बोट्स तुम्हारे शिप से पास करती है तो वो तुम्हारे शिप्स को रिस्पेक्ट या फिर कर्टसी शो करती है। ये जस्ट मतलब एक पर्सोनिफिकेशन है। अब सलारिनो क्या बोलता है, वो बोलता है कि एंटोनियो, अगर मेरे इतने सारे फाइनेंशियल गुड्स लॉस पे होते तो मैं दिन भर अपने शिप्स के बारे में ही सोचता रहता। मेरा तो फुल कंसंट्रेशन इसी पर रहता। कभी मैं एयर की डायरेक्शन जानने की कोशिश करता, हाथ में ग्रास होता तो ग्रास जिस तरफ बेंड करेगी, जिस तरफ वो मूव करेगी उस तरफ एयर की डायरेक्शन होगा। इसके साथ साथ मैं मैप्स में दिन भर अलग अलग जगह लोकेट करता, हर वो चीज़ के बारे में सोचता जो कि मेरे शिप्स को हार्म कर सकती है। अब सलारिनो बोलता है, ये बात तो छोड़ दो, ये तो छोटी सी बात है। अगर मेरे पास सूप होता, मैं सूप पी रहा होता, तो अगर मैं एयर ब्लो करता उसे कूल करने के लिए, तो इस एयर से भी मुझे विंड की याद आती। ये विंड मेरे शिप्स को हार्म कर सकती है क्योंकि ये ओशंस और सीज में ब्लो कर रही है। पुराने ज़माने की घड़ी देखता, जैसे जैसे टाइम बीतता मुझे डर लगता कि कहीं मेरे शिप्स को कोई हार्म तो नहीं। इसके अलावा जब मैं चर्च जाता तो चर्च जो स्टोन बिल्डिंग्स होगी इससे मुझे डेंजरस रॉक्स की याद आती। अब रॉक्स को डेंजरस क्यों कहा गया है? रॉक्स को डेंजरस इसलिए कहा गया है क्योंकि ये सारे रॉक्स ओशन सीज में स्कैटर्ड हैं। अगर ये मेरे शिप्स को अगर स्ट्राइक कर दे या फिर हिट कर दे तब क्या होगा कि मेरे शिप्स पूरी तरीके से रैक हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा लॉस होगा मुझे। तो मुझे पता है एंटोनियो, तुम इसी सब चीज़ों से टेंस हो, इसी सब चीज़ों को लेकर सैड हो। अब एंटोनियो बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, ये सारे रीज़न से मैं सैड नहीं हूँ। मैं अपने फॉर्च्यून को थैंक करता हूँ क्योंकि मैंने जो कुछ भी कमाया है, मेरा जो भी इनकम है, जो भी प्रॉपर्टीज़ है, जो भी वेल्थ है मेरे पास, ये साल का नहीं है, बहुत सालों से मैंने ये सब कुछ जमा किया है, सब कुछ हासिल किया है, तो इसलिए मुझे ये सब शिपरेक से उतना कुछ मतलब टेंशन नहीं है। इसके अलावा मेरे शिप्स एक जगह पर कन्फाइंड नहीं है, बहुत सारे जगह पर हैं, इसलिए मुझे ये सब रीज़न सैड नहीं करती। सलारिनो बोलता है, ठीक है, तब क्या तुम प्यार में हो? तो एंटोनियो बोलता है कि क्या बकवास कर रहे हो, मैं प्यार व्यार में नहीं हूँ। अब सलारिनो बोलता है, ठीक है चलो मान लेते हैं तुम प्यार में नहीं हो, इसका मतलब ये है कि तुम सैड हो। अब अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा सैड है तो वो खुशी से चिल्ला नहीं सकता, उछल नहीं सकता, हंस नहीं सकता, और ये नहीं कह सकता कि मैं खुश हूँ। क्यों? क्योंकि वो सैड है। अब वो टू हेडेड जेनस का एग्जाम्पल देता है। टू हेडेड जेनस क्या है? टू हेडेड जेनस रोमन गॉड है जिसे बिगिनिंग्स और ट्रांजिशंस पे लगाया जाता है, यानी कि गेट्स और डोर्स के ऊपर। अब इसके दो हेड्स थे, एक जो आगे की तरफ डायरेक्टेड है और एक बैकवर्ड्स डायरेक्टेड है। तो अब यहाँ पे वो कहना चाह रहा है कि जैसे टू हेडेड जेनस के दो सिर हैं, वैसे दुनिया में दो चेहरे के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेमतलब का हंसते रहते हैं, इतना हंसते हैं कि उनकी आंखें तक धंस जाती हैं, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी नहीं हंसते।
अगर कोई प्रेस्टिजियस इंसान कोई जोक क्रैक करे तो यूजुअली लोग हंसते हैं बिकॉज दे फाइंड इट ह्यूमरस, या फिर उस इंसान की इंसल्ट ना हो इसलिए भी लोग हंस देते हैं। बट मतलब दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो उन सब जोक्स पर भी नहीं हंसते हैं। अगर नेस्टर भी अगर कोई जोक क्रैक करे तब भी नहीं हंसेंगे। अब सेलानियो बोलता है कि ठीक है एंटोनियो, बेसानियो, ग्राशिनो, लॉरेंजो आ गए हैं तो हम लोग जाते हैं, हम लोग बाद में मिलेंगे। अब बात होती है ग्राशिनो, एंटोनियो और बेसानियो के बीच में। तो ग्राशिनो एंटोनियो के पास आता है और बोलता है अच्छे नहीं लग रहे हो देखकर, लग रही ना कि तुम ठीक हो। वो बोलता है लगता है कि तुम दुनिया के बारे में ना बहुत टेंशन लेते हो, सच्ची तुम दुनिया के बारे में बहुत ज़्यादा ही, दुनिया की बहुत ज़्यादा परवाह करते हो। और ऐसे लोग जो दुनिया के बारे में बहुत सोचते हैं, दिन भर दुनियादारी को लेके बैठे रहते हैं, उन्हें फाइनली कुछ नहीं मिलता। तुम सच्ची बहुत ज़्यादा बदल गए हो। एंटोनियो बोलता है क्या बोल रहे हो, मैं दुनिया को दुनिया की तरह मानता हूँ, एक स्टेज है जहाँ हम सब अपना अपना रोल निभाते हैं और चले जाते हैं। तो ग्राशिनो बोलता है अच्छा ठीक है, चलो मैं एक कॉमिकल रोल प्ले करता हूँ और तुम्हें हंसाने की कोशिश करता हूँ। जो भी तुम्हारे दिल में जो भी पुरानी गिले शिकवे थी सबको भुला दो और चलो आज तुम स्माइल करो, दिल से खुश हो। यहाँ पे एक रेफरेंस दिया गया है एक एलिजाबेथन बिलीफ का। उस बिलीफ के हिसाब से अ लिवर एनरिच्ड विद वाइन प्रोड्यूसेस रिच ब्लड एंड इट इज़ अ साइन ऑफ चीयरफुलनेस। तो अगर कोई लिवर या फिर कोई बॉडी अगर वाइन से एनरिच्ड हो तो वो बॉडी रिच ब्लड प्रोड्यूस करता है और इंसान बहुत ज़्यादा खुश रहता है। तो वो बोलता है कि एंटोनियो तुम इतने यंग हो, तुम्हें भी मतलब यंग हो, एनर्जेटिक होना चाहिए, लेकिन तुम तो स्टैचू की तरह एकदम स्टिल हो। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम सही सच्ची कोई बीमारी से सफ़र कर रहे हो। वो बोलता है कि मैं तुम्हें जो कुछ भी बता रहा हूँ ना एंटोनियो, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें मानता हूँ, तुम्हारी परवाह करता हूँ। वो बोलता है कि दुनिया में बहुत मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने ऊपर एक फॉल्स एक्सप्रेशन या फिर साइलेंस का नकली नकाब डाल लेते हैं, नकली चेहरे खुद पे डाल लेते हैं। एग्जाम्पल देता है, बोलता है कि तुमने स्टैंडिंग पॉइंट देखा होगा, स्टैंडिंग पॉइंट के ऊपर में जो स्कम्स जमा हो जाती है, अगर कोई पॉइंट के ऊपर अगर स्कम्स जमा हो गई तो क्या होगा कि वो पॉइंट देखने से एकदम शांत लगेगा, लग रहा है कि उसमें कोई हलचल नहीं है, बट क्या वो रियली शांत है? नहीं। बिल्कुल उसी तरह दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो खुद के चेहरे पर, खुद के अपने रियल सेल्फ पे, अपने इनर सेल्फ पे एक आर्टिफिशियल एक्सप्रेशन डाल लेते हैं। वो किस चीज़ का? साइलेंस का। क्यों? ताकि लोग समझें कि ये बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, क्योंकि उनको लगता है कि जो इंसान नॉलेजेबल है वो बिल्कुल भी नहीं बोलता, शांत रहता है। उन्हें लगता है कि सच्ची वो सर ओरेकल की तरह है, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान थे। तो ऐसे लोगों को लगता है कि सच्ची कम बोलकर उन्हें लोग बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस मानेंगे, उन्हें बहुत ज़्यादा ऑनरेबल समझेंगे। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, ये लोग अगर बोलना शुरू कर दे तब बाकी लोगों को अपने कान बंद करने पड़ेंगे, उनके कान से खून आने लगेंगी और बाकी लोग इन्हें बस कर्स करेंगे। क्यों? क्योंकि ये लोग इतनी बेतुकी बातें करेंगे ही। और ये माना जाता था कि अगर कोई इंसान किसी और इंसान को अगर कर्स करे तो कर्स करने वाले इंसान को हेल जाना पड़ता था या फिर फायर में जलना पड़ता था, हेल की फायर में। तो वो बोलता है कि देखो ऐसे लोग बस बकवास बस करेंगे और इनके वजह से बाकी लोगों को हेल में जाना पड़ेगा। वो बोलता है कि ये जो सैडनेस का जो ये एक्सप्रेशन है, ये जो ये सैडनेस है जो वो लोग रेपुटेशन पाने की कोशिश करते हैं, ये बस टेम्प्ररी है, कुछ टाइम के लिए, हमेशा के लिए ये नहीं रहती और ये एकदम वर्थलेस है, बकवास है। वो बोलता है कि जैसे गर्जन फिश का कोई वैल्यू नहीं होता, गर्जन फिश का कोई वैल्यू होता है? नहीं, प्राइसलेस है, वर्थलेस है। बिल्कुल उसी तरीके से ये जो रेप्यूटेशन मिलेगा ये भी एकदम वर्थलेस है, टेम्प्ररी है। उसके बाद फिर एंटोनियो बोलता है कि ठीक है चलो मैं बोलना शुरू कर दूंगा अब क्योंकि तुमने मुझे एडवाइस किया है। तो इसके रिप्लाई में ग्राशिनो बोलता है कि लेकिन साइलेंस ही बेटर है। अब वो लोग चले जाते हैं, ग्राशिनो और लॉरेंजो चले जाते हैं। अब एंटोनियो बोलता है बेसानियो से, ये क्या था, मतलब क्या बोल के गया, कुछ मीनिंग बनता है? अब बेसानियो बोलता है कि सच्ची ग्राशिनो के इतना ना सच्ची वेनिस में कोई नहीं बोलता, इतना बोलता है बस बकवास करता रहता है, कोई बात पे अगर अड़ जाए तो पूरा दिन उसी बात पे लगा देता है। यहाँ पे वो उसके रीजंस, उसके बातों को टू बसल्स ऑफ शाफ्ट से कंपेयर करता है। मतलब टू ग्रेन्स को अगर हम लोग टू बसल्स ऑफ शाफ्ट में अगर छुपा दें और उसे पूरा दिन ढूंढें
तो फाइनली 2 ग्रेन मिलेगा। अब 2 ग्रेन का क्या करोगे, पूरा दिल लगाया बस 2 ग्रेन ढूंढने में। तो बिल्कुल ये भी ऐसी है, बस बेमतलब के बातों पे बस अड़ जाता है। और फाइनली क्या बोला, इसको भी कुछ नहीं पता। तो एंटोनियो बोलता है कि नहीं छोड़ो इन बातों को, बाद में बात करेंगे, मुझे ये बताओ कि वो लड़की कौन थी जिसके बारे में तुम मुझे बता रहे थे और जिसके पास तुम जाने वाले हो। तो अब पिसानियो बोलता है कि एंटोनियो तुम्हें तो पता ही है कि मैंने एक एक्स्ट्रा वेगन लाइफ जीने के लिए अपने सारे वेल्थ, सब प्रॉपर्टी, जो भी था मेरे पास सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। फिर बोलता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मुझे सच्ची इस प्यार से एक वारंटी मिलती है कि मैंने जो कुछ भी प्लान्स बनाए हैं वो तुम्हें बता दूँ। तो एंटोनियो बोलता है, देखो बेसानियो, ये सब बातों में अपना टाइम बर्बाद मत करो, और ये बात मान लो कि अगर जो तुम प्लान्स बनाए होगे अगर वो इम्पॉर्टेंट रहा या सिग्निफिकेंट रहा, बिल्कुल तुम्हारी तरह, जैसे तुम मेरे आँखों में बहुत ज़्यादा, मैं तुम्हें मानता हूँ, वैसे अगर ये भी बहुत ज़्यादा अगर इम्पॉर्टेंट या फिर सिग्निफिकेंट रही, मेरा हर एक चीज़ तुम्हारे मदद के लिए तैयार है, मैं खुद भी तैयार हूँ, मेरा विल तैयार है, मेरा हर चीज़ तुम्हारे लिए तैयार है, मैं हर कुछ कर सकता हूँ, हर चीज़ वो कर सकता हूँ जो तुम चाहो, अगर सच्ची ये चीज़ अच्छी रही तो। तो बस आनियों की एग्जाम्पल देता है, वो बोलता है कि चाइल्डहुड डेज में, यानी कि स्कूल के दिनों में मैंने एक एरो शूट किया, तो वो एरो मैंने खो दिया। अब मैंने क्या किया कि उसी डायरेक्शन में मैंने एक और शाफ्ट या एक और एरो को डायरेक्ट किया, शूट किया, और इस बार मैं बहुत ज़्यादा केयरफुल था, उसी डायरेक्शन में शूट किया, उसी तरीके से शूट किया। अब मैं इस वाले एरो के पीछे गया तो मुझे पहले वाला एरो भी मिल गया। तो वो बोलता है कि मैं चाइल्डहुड एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ एंटोनियो, क्योंकि जो चाइल्डहुड डेज होती है ना, फिर चाइल्डहुड ही खुद ही इनोसेंस का साइन है, सिंबल ऑफ इनोसेंस। इसलिए मैं जो भी बोला हूँ ये कुछ गलत नहीं है, इसमें कोई ट्रेचरी या कुछ चीट नहीं है। वो बोलता है कि एंटोनियो अगर तुम मेरी मदद करो तो सच्ची मैंने जो कुछ भी खोया है ना वो उसे मैं वापस पा लूँगा। वो क्लियरली नहीं बोलता है अभी। तो एंटोनियो बोलता है कि देखो ये सब बातों में टाइम बर्बाद मत करो, मेरे लव पर तुम क्वेश्चन मत करो, और मुझे सीधे सीधे बताओ कि तुम चाहते क्या हो। अब एसानियो बोलता है कि एंटोनियो बेलमोंट में एक लड़की है, एक हेरेस है, उसका नाम है पोर्शिया, वो बहुत ज़्यादा सुंदर है और ब्यूटीफुल वर्ड से भी ज़्यादा वो डिज़र्व करती है, वो इतनी सुंदर है, और आँखों ही आँखों में हमारे बीच में कुछ बातें भी हुई थी, यानी कि हमारी केमिस्ट्री, हमारी बॉन्डिंग भी अच्छी है। वो बोलता है कि सच्ची पोर्शिया को देखने के लिए अलग अलग जगह से लोग आते हैं, उसे मिलने के लिए, उसे देखने के लिए, वो बहुत ज़्यादा ही, उसका नाम है, वो बहुत ज़्यादा प्रेस्टीजियस है। फिर वो बोलता है कि जैसे कि एग्रोनॉट्स गोल्डन फ्लीस की तलाश में अलग अलग, मतलब उसे ढूंढने के लिए अलग अलग जगह से लोग आए थे ना एग्रोनॉट, वैसे ही पोर्शिया से मिलने के लिए अलग अलग सूटर्स आते हैं, अलग अलग कंट्रीज से, अलग अलग जगह से, सात समुंदर पार करके। तो वो बोलता है कि देखो एंटोनियो, मुझे लगता है कि पता नहीं मैं पोर्शिया को जीत पाऊँगा कि नहीं, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है। अगर सच्ची अगर मेरे पास इतना पैसा रहा तो मैं पोर्शिया को जीत पाऊँगा, और शायद, मतलब मेरा ये इनर फीलिंग कह रहा है, मेरा इंस्टिंक्ट कह रहा है, मेरा कॉन्शियंस कह रहा है कि शायद मैं पोर्शिया को जीत जाऊँ। अब एंटोनियो बोलता है बेसानियो को कि बेसानियो, मेरे पास अभी कुछ अमाउंट तो है नहीं और साथ में कुछ कमोडिटी भी नहीं है, तो एक काम करो, तुम वेनिस में जाओ और जाकर देखो कि मेरे नाम पर, मेरे क्रेडिट पे तुम्हें कोई लोन दे तो ले लो, और मैं ये बात गारंटी से बोल सकता हूँ कि वेनिस में कोई ना कोई तो तुम्हें ज़रूर पैसा दे ही देगा। इसी के साथ वो उसको लकविश करता है ताकि वो पोर्शिया को जीत सके, और ये सीन एंड हो जाता है। Subscribe now to get all the latest updates.